आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करके सामाजिक विकास को संभव बनाना। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को जनता इंटर कॉलेज माड़ापार, खुशमी बाजार, गोरखपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला तारामंडल गोरखपुर द्वारा बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगों को दिखाकर प्रदर्शन करके विस्तृत रूप में समझाया गया। वैज्ञानिक विशेषज्ञ श्री जितेंद्र सिंह द्वारा खराब एलईडी बल्ब को ठीक करने का प्रदर्शन किया गया एवं एक अन्य विशेषज्ञ श्री श्री यशराज जायसवाल द्वारा 30 सेकंड में पानी द्वारा बर्फ बनाकर दिखाया गया और इन विशेषज्ञों द्वारा अन्य कई वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री भागवत जी ने कहा कि विज्ञान के प्रयोग ने मानव समाज को पाषाण काल से आधुनिक वैज्ञानिक युग में पहुंचा दिया। क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद गोरखपुर के क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी श्री महोदय पांडे जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ खगोल विज्ञान में भी रुचि पैदा करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन किया। उत्तम अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री वेद प्रकाश सिंह एवं सहायक अध्यापक डॉ. दिग्विजय नाथ पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला तारामंडल गोरखपुर के एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर खगोलविद अमरपाल सिंह, वेद प्रकाश पांडे, अशोक कुमार मिश्रा, देवेंद्र दुबे, राम घिसियावन, इजहार आदि लोग मौजूद रहे। रिसर्च का काम अब तो छोटे बच्चों से लेकर के इंटरमीडिएट तक के बच्चे रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे विभाग द्वारा आगे क्लास में एमएससी और पीएचडी करने के लिए हमारे विभाग द्वारा पैसा दिया जाता है रिसर्च करने के लिए। आप कोई चीज इनोवेट करते हैं तो उसके लिए हमने जगह जगह पर हर जिले में लगभग हर मंडल में लगभग इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है कि आपको इंक्यूबेट कर, यदि आपकी तकनीकी बहुत अच्छी है तो उसके लिए सरकार हमारा विभाग आपको फंड देता है। तो इसको आपको जानने की जरूरत है कि विभाग के द्वारा क्या जानकारी दी जाती है। यह शिक्षा तो दी ही जाती है, आपको जागरूक तो किया ही जाता है, आपको उद्योग परक बनाया ही जाता है, लेकिन आपको